आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अच्छा माँ, फिर हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, बेटी दामाद खाना खाए बिना जाएंगे घर से? खाना खा के जाना, आते होंगे बस। नहीं अम्मा, खाने के लिए रुकेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसे कि चिंकिया की परीक्षा भी चल रही है तो ये ना उकरा तैयारी भी करानी। वैसे हमका ना समझ में नहीं आया कि प्रतिज्ञा भौजाई और केसर भौजाई अभी तक आए का ही नहीं, इतनी देर तक गायब है और कोनो फोन तक नहीं किया। बाकी यार तुम हो के अकेले घर में सारा काम किए जा रहे हो, अब पिक्चर तो कब की खत्म हुई होगी, बाकी अभी तक कोनो फोन तक नहीं किया। बोलो जाने देना खुमर, ये लोग कौन सा रोज रोज बाहर जाते हैं, अब मन बदलना भी तो जरूरी है ना। ठीक है अम्मा, माना कि मन बदलना जरूरी होता है, बाकी ये तो कोनो तरीका नहीं हुआ ना। तुम तो अभी अभी घर पे आयो, तुम्हारी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है और तुम के घर का सारा काम खुद ही संभाल रही हो और वो लोग है कि अपनी अलग से मस्ती मार रहे हैं। यार ये ना ठीक नहीं है, हम ना उन लोग को अभी फोन करके बुलाते हैं। ए कोमल, आ जाएंगे बस, आते होंगे, फोन मत कर। नहीं अम्मा, हम बात कर रहे हैं ना। कौन? हाँ, कोमल भाभी का फोन आ रहा है। हाँ कोमल भाभी, कैसी हैं आप? अरे ये छोड़ो और ये बताओ कि तुम लोग कहाँ और क्या कर रहे हो? साला हम दोपहर से हवेली आए और देख रहे कि तुम सब यहाँ से गायब हो। अरे ऐसे थोड़ा होता है कि यार अम्मा की तबीयत खराब है, सारा घर का काम वो अकेले संभाल रहे, ऐसे थोड़ा होता है। एक बार फोन करके ये भी नहीं पूछ सकते कि अम्मा का कोनो मदद चाहिए, उनका कोनो परेशानी तो नहीं घर में? अरे अम्मा का आ गए यार, तुम लोग सब बेफिक्र हो गए, अपनी जिम्मेदारी भूल गए? नहीं कोमल भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल हम इसलिए बाहर। का बवा, हम बात करते हैं। मुलिया है ना? हाँ कोमलिया, का बवा? का हुआ का का मतलब है? ये पूछो के का नहीं। तुम दोनों भाई अपनी अपनी बीबी को लेकर निकल गए भ्रमण पे और अम्मा है जो घर में ना मर खप रही है, सारा काम ना घर का अकेले कर रही है। अरे कोमलिया, तू हमका लेक्चर न दे। का मतलब अम्मा काम कर रही, घर का ही काम कर रही है ना, ये बाहर का काम थोड़ी कर रही है। फिर वैसे भी इतने सालों के बहुओं ने काम किया यार, एक दिन खुद कर लेगी तो कोई परेशानी थोड़ी है। और तुम घर की बेटी हो, तुम हाथ बटाए दो। हम बस अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, तुम ऐसी ऐसी बात ना करो यार। बाबा को ना हम बाद में देख ले। अम्मा हम निकलते हैं, वो लोग ना बस घर पहुंचते होंगे। अम्मा अभी हम चलते हैं, चिंकी की पढ़ाई बहुत जरूरी है अभी, और सर का भी 2-3 बार फोन आ चुका है, आपसे मिलने फिर से आ जाए। ठीक है, अब इतना जिद कर रहे हो तो जाओ, बाकी फिर से लेके आना कोमल को। हाँ जी। खुश रहो। चिंकिया याद करत हुई, चलो निकल लो। सो जा बेटा, आराम मिलेगा। नहीं हम ऐसे नहीं सोएंगे, हम माँ के साथ सोएंगे। मैं तो अम्मा के साथ। अब बैठिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। कौनो जरूरत ना, ना खुद ले लेंगे। हाँ, मजा आएगा है। बैठो तुम सब, हम अभी सबके लिए खाना लगाते हैं। समर, तो समर तुमको नींद आ रही है? चल कमरा में हम तुमको सुलाई देते हैं। नहीं अम्मा, खाना तो हम सब बाहर से खा के आए हैं। हम तो सबके लिए खाना बनाए हैं। अब अम्मा बाहर से यार इतना भयंकर खवाई करके आया ना, मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं है यार। बाबा तुम रही है, नहीं पेट तो भरे हुआ है। अरे जब तुम लोगन का बाहर खाए रहा तो घर में फोन का है नहीं कर दियो, ये तुम लोग के लिए खाना ना बना। एक तो इतने दिन बाद खाना बनाइस, ऊपर से कितनी मुसीबत उठाए पढ़ाई का। बुरा हमको प्लानिंग करके थोड़ी गए थे खाना खाए के आएंगे हैं, ऐसा थोड़ी, मतलब यार चाय खा भी पीने गए थे। अब सोचा लगे तो खाना खा लेते हैं, तो इली खा लिए। अब का तो तुम खाने की चिंता नहीं करो, का फ्रिज में रख देते हैं, कल सवेरे काम आ जाएगा।
हमें बहुत थकान सी लग रही है, हम अंदर जा रहे हैं। हाँ हाँ जाके सो जाओ, ऐसे भी कोई काम नहीं है। बाकी खीर तो खा के जाओ, खीर बनाए हैं बहुत मन से। अरे अम्मा आप कौन पेट में खाए यार खीर, वो खाने के बाद ना मतलब आइसक्रीम भी खा लिए, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है। दोनों बहुरिया तो अपने अपने कमरे में चली गई, अब रसोई कौन साफ करी? अरे यार बुढ़ा तुम काहे टेंशन ले रही हो यार, अब अम्मा इतना सब कुछ किए तो रसोई भी साफ कर देगी है। अरे वैसे भी आप पंडित जी क्या करती होगी तो यहाँ अपने घर में तो कर सकती ना एक दिन, क्या तुम ज्यादा सोचो ना। चलो यार नहीं बिजली भी चली गई। कैसे सोएं बिना पंखा के इतना गर्मी में? बेटा हमरे ना कमरे की बिजली चली गई है, जरा आके देख लो। केसर सब सो रहे हैं। बाबा ए बाबा हमरे ना कमरे की बिजली चली गई है बेटा, बहुत गर्मी है, मच्छर भी काट रहा है, जरा देखना। ए बाबा ए बजरंगी बजरंगी का रे, इतनी रात के का चिचिया रही ससुर नींद खराब करके रख दी हमारे। वो हमरे कमरे की बिजली चली गई है, बहुत उमस है कमरा में, आप आके देख लेते तो हो सकता है ठीक हो जाता, कहे कि हमको तो कुछ मालूम नहीं है बिजली के बारे में। हमरे पास का करे आई हा? जाओ जाओ अपने सपूतन के पास जाओ। गए थे उठाने लेकिन सब सो रहे हैं, कौनो दरवाजा नहीं खोला। अरे तो का चाहती है? ए, सुन ए, हम तुमसे बतिया ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे कमरा की बिजली चली गई है, पंखा नहीं चल रहा है, तो का सोचती हो कि हम आगे तुमका ऐसे पंखा डोलाएंगे, पंखा झोलेंगे तुमका? तुमका ना बहुत गर्मी अगर लग रही है ना, जाओ हुआ अंगना में जाके सो, चल अंगना में सो ना, छत पर जाके सो, समझे कि नहीं? यहाँ चिल्ला के हमार नींद न खराब करो, तुमको इतना बता दिया ना भाई, उठाओगे पन ही मारेंगे भाई, बीस तुमका बेहूदी गर्मी लग रही है, नींद खराब कर ससुर रख दिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।